गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आवर फार्माकोलॉजी क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स मीन्स द ड्रग्स विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और विच किल द बैक्टीरिया आर नोन एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स. एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स के अंदर एक्चुअली हम एंटीबायोटिक्स ही पढ़ते हैं, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था वही एंटीबायोटिक्स इस एंटीबैक्टीरियल में आएगी. पर आप कंफ्यूज ना हो जाए एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स क्या होते हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा से आपको बता रही हूँ. एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेरियस स्पीसीज, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, एक्टिनोमाइसिटीज हो, उन सब को किल करने के लिए या उन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए हम काम में ले रहे होते हैं. और ये केमिकल सबस्टांस होस्ट के टिश्यू को कोई इफेक्ट नहीं करते, कोई बुरा प्रभाव होस्ट के टिश्यू पर नहीं डालते, केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करते हैं. फिर हमने पढ़ा था कि आइडियल एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव हो तो वो अच्छी मानी जाती है, वो लो कंसंट्रेशन में भी अपना अच्छा एक्शन दिखा सके, उनमें बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी होनी चाहिए. बैक्टीरिया स्टैटिक की जगह है, स्टैटिक होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, बैक्टीरियासाइडल होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है, तो किल करने वाली होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं. ये सेलेक्टिव और इफेक्टिव एक्टिविटी रखती हों ऐसा इनके अंदर होना चाहिए गुण. ये पैरासाइट के लिए हाईली टॉक्सिक होनी चाहिए पर होस्ट के लिए ए टॉक्सिक होनी चाहिए, भाई होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस ना डेवलप कर पाए जल्दी से, ऐसी उसमें खासियत होनी चाहिए. और ये होस्ट के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म पर इंटरफेयर ना करती हो, मतलब फैगोसाइटोसिस और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को प्रभावित ना करती हो, ऐसे गुण इनमें होने चाहिए. इसके अलावा ये एक्वस फ्लूड के अंदर सफिशेंट सॉल्यूबल होनी चाहिए ताकि हमारे पूरे बॉडी टिश्यू में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट हो जाए बैक्टीरियासाइडल कंसंट्रेशन के बाद में, यूटीआई जैसे अगर किसी को हो रहा है तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाए क्योंकि बॉडी में रहनी नहीं चाहिए. इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है या एफिकेसी जो है वो फ्लूड से, एग्जुडेटे से, प्लाज्मा प्रोटीन या टिश्यू एंजाइम से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ से उन पर उनकी एफिकेसी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए. एंटीबायोटिक के अंदर केमिकल स्टेबिलिटी भी पूरी तरह से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि दी और देते थोड़ी देर में वो केमिकली चेंज्ड हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए. हम इसको आइसोलेट कर सकें, स्टोर करने के लिए स्टोर रख सकें काफ़ी लंबे समय तक, ऐसा भी होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत जल्दी ख़राब हो गई है. और इसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन रेट जो है और एंटीबायोटिक की एलिमिनेशन रेट जो है वो स्लो होनी चाहिए, भाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा था, और एलिमिनेशन क्योंकि ये जल्दी एलिमिनेट हो जाएगी तो फिर ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएंगी. अब सबसे पहली ड्रग टेट्रासाइक्लिन, हालांकि मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स आएगी वो सब हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार डिटेल में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों के पूछ ली जाती हैं अलग से भी, तो फिर आप थोड़ा और उसमें एक्स्ट्रा लिख सकें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. हालांकि टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन जैसी सारी ड्रग्स हम पढ़ चुके हैं. टेट्रासाइक्लिन के अंदर अपन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डेमीसाइक्लोसाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन और मीथासाइक्लिन ड्रग्स आती हैं. टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है क्योंकि ये राइबोसोम की 30S सबयूनिट पर बाइंड हो जाता है, जिससे कि अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो होता है एक्सेप्टर साइट पर ट्रांसफ़र हो नहीं पाता. उसके साथ ही ये ड्रग्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी घुस जाती है पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू, और फिर उसमें उसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन में पोर कर देती है, छेद कर देती है. तो इस तरह से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन वगैरह के अंदर घुसती हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर भी इस तरह से रोल प्ले करती है, तो जो उसको मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए होती है वो मेटाबॉलिक एनर्जी उसको मिल नहीं पाती और वो बैक्टीरिया मर जाता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर अपन देखें, एंटी बैक्टीरियल एक्शन क्या होता है इसमें, तो पांच मेन मैकेनिज्म इसके अंदर चलती हैं. पहला, ये सेल मेटाबॉलिज्म को रोक देता है. क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स जो होते हैं वो सेल मेटाबॉलिज्म को रोकेंगे तो हम उसको एंटी मेटाबोलाइट्स कहते हैं. ये कंपाउंड जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को रोक रहे हैं, होस्ट के मेटाबॉलिज्म को नहीं रोक रहे हैं, मतलब हमारे शरीर पर बुरा असर नहीं पड़ेगा. ये कैसे
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को रोकेंगे, क्योंकि उसमें जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होती है उसको ये रोक देते हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो चल रही होती है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन उनको रोकते हैं, पर एनिमल सेल की रिएक्शंस को ये नहीं रोकते, जैसे कि सल्फोनामाइड्स ड्रग्स होती हैं। दूसरा, बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस को रोक देंगे। पहले तो मेटाबॉलिज्म को रोका था, फिर दूसरा सेल वॉल बैक्टीरिया के बन नहीं पाती है, जिससे कि बैक्टीरियल सेल लाइस हो जाएगी और डेड हो जाएगी। तीसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में इंटरैक्शन करते हैं, ये प्रोटीन के सिंथेसिस को डिसरप्ट कर देते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, पहले पॉइंट पढ़ चुके हैं एंटीबायोटिक के अंदर। न्यूक्लिक एसिड के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को और रेप्लिकेशन को ये रोक देते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरैक्शन को कैसे रोक रहे हैं? कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो है वो बैक्टीरिया की सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमियबिलिटी को ये चेंज कर देते हैं, जिससे कि सेल जो है वो बेचारी मर जाती है, जैसे पॉलीमिक्सेंस और थायरोथ्रेसन। चौथा क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस को डिसरप्ट कर देंगे। जो एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उस बैक्टीरियल सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो एंजाइम्स बन नहीं पाते हैं, वो प्रोटीन्स बन नहीं पाते, तो जिससे कि उनका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा तो फिर वो सेल मर जाएगी। जैसे रिफामाइसिन, नवाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, ये सारी ड्रग्स यही काम करती हैं। पाँचवा, न्यूक्लिक एसिड के ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन को रोक दिया जाता है। क्या इससे? इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शन प्रिवेंट सेल डिवीजन। जैसे ही न्यूक्लिक एसिड इनहिबिट हो जाएगा तो सेल डिवीजन नहीं होगा, एसेंशियल प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करेगा? जैसे नैलिडिक्सिक एसिड, प्रोफ्लाविन, फ्लोरोक्विनोलॉन, ये सारी ड्रग्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड को रोकती है। तो देखिए कौन कौन ड्रग किस किस पर असर दिखा रही हैं। सल्फोनामाइड सेल मेटाबॉलिज्म को रोक रही थी, सेल वॉल के सिंथेसिस को भी कई ड्रग्स रोक देती हैं, जैसे जो प्रोटीन को रोक रही है सब सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकेंगी। पॉलीमिक्सिन, टायरोथ्रेसन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्शन करती हैं। रिफामाइसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करती हैं। नैलिडिक्सिक एसिड, प्रोफ्लाविन और फ्लोरोक्विनोलॉन ये न्यूक्लिक एसिड के प्रोसेसिंग को रोक देती हैं। अब एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन, हालांकि हम पढ़ चुके थे कि कई तरीके से क्लासिफिकेशन करने की स्कीम्स हमारे पास हैं एंटीबायोटिक्स को, जैसे बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के बेसिस पर कि भाई वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है कि नैरो स्पेक्ट्रम की है, उसकी एक्टिविटी के बेसिस पर कि वो बैक्टीरियासाइडल है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, और मोस्ट यूज़फुल क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर। एंटीबायोटिक्स स्ट्रक्चरल क्लास के अंतर्गत जनरली सिमिलर पैटर्न्स की इफेक्टिवनेस, टॉक्सिटी और एलर्जिक पोटेंशियल शो करती है। मेन क्लास है बीटा लैक्टम, मैक्रोलिड्स, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, टेट्रासाइक्लिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। बीटा लैक्टम के अंदर पेनिसिलिन और सिफालोस्पोरिन आती है। ये बीटा लैक्टम के बारे में दिया है कि इसकी जितनी भी ड्रग्स हैं इस ग्रुप की उनमें बीटा लैक्टम रिंग होती है इनके स्ट्रक्चर में, जैसा ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बीटा लैक्टम रिंग है। तो ये सब में पाई जाएगी, देख लो पेनिसिलिन में, सिफालोस्पोरिन में भी रिंग है, कार्बापिनम में है, मोनोबैक्टम में ये रिंग है, इसलिए अपन इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसके अलावा इसकी केमिस्ट्री के फीचर सेम होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, फार्मेकोलॉजिकल एक्शन सेम है, क्लिनिकल इफेक्ट भी ये सेम दिखाती हैं। अब बीटा लैक्टम के करैक्टरिस्टिक्स देखो, ये सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे दिखाती हैं, क्योंकि ये सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती हैं, ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो सेल वॉल का सिंथेसिस रोक देंगी। दूसरा, इनमें बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होता है, एंटीरोकोकस स्पीसीज को छोड़ करके ये सभी बैक्टीरियाज को किल कर देती हैं, इनकी हाफ लाइफ छोटी होती है यानी शरीर से जल्दी निकल जाएंगी, रीनल एलिमिनेशन यानी रीनल के थ्रू प्राइमरली एलिमिनेट होती हैं, और क्रॉस एलर्जेनिसिटी दिखाती हैं, एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देती है एस्ट्रियोनम के अलावा ये सारी क्रॉस एलर्जिक रिएक्शन दिखाती हैं। इसके अलावा सारी बीटा लैक्टम सेल वॉल सिंथेसिस में इंटरफेयर करती है, क्योंकि ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो PBPs होते हैं उनके साथ में ये बाइंड हो जाती हैं। ये PBPs कहाँ पाए जाते हैं? बैक्टीरियल सेल वॉल पर पाए जाते हैं, वहाँ पर ये बाइंड हो जाएगी। PBPs को ये इनहिबिट कर देती है, जिससे कि पेप्टाइडोग्लाइकन का सिंथेसिस रुक जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी लगभग सेम शो करती है कि भाई ये रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करेगी। बीटा लैक्टमेज एंजाइम का प्रोडक्शन ये कर देती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे कॉमन यही पॉइंट है, जिससे कि बीटा लैक्टम रिंग जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगी और इनएक्टिवेट हो जाएगी। इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो
रेजिस्टेंस डेवलप करता है। दूसरा है ट्रैपिंग मैकेनिज्म, कुछ बीटा लैक्टम जो होते हैं वो टाइटली बाइंड करते हैं बीटा लैक्टमेज के द्वारा और बैक्टीरियल सेल के बाहर ही रुक जाते हैं, जिससे कि बीटा लैक्टम बैक्टीरियल सेल के अंदर जब एंटर करेगी तो पीबीपीज के साथ में कंबाइन होएंगी। अब जो पीबीपीज का टारगेट है उसको अगर मॉडिफाई कर दिया जाए, जैसे कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंस में होता है स्टेफिलोकोकाई और पेनिसिलिन रेजिस्टेंस न्यूमोकोकाई होता है, वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस डेवलप करके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस शो करेगा। चौथा, ये ड्रग का जो टारगेट है पीबीपीज उसमें वो पेनिट्रेशन को इम्पेयर कर देगा, जैसे विच अकर्स ओनली इन जी स्पीसीज, जी स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की। तो इसमें क्या है, आउटर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है जी नेगेटिव बैक्टीरिया, जी नेगेटिव जी स्पीसीज, पता ही है नाम से ही आपको भाई ग्राम स्पीसीज के बारे में बोल रहे हो, तो ग्राम स्पीसीज के अंदर ये बताया गया है कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है, पर ऐसा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होता। ऑटोलाइटिक एंजाइम की शॉर्टेज पाई जा रही होती है, इस सर्कमस्टांसेस में जो बीटा लैक्टम्स होती है वो नॉर्मल इनहिबिटिंग एक्शन दिखाती है पर अपना किलर इफेक्ट जो है वो दिखा नहीं पाती है, इनहिबिट तो कर देगी बैक्टीरिया की ग्रोथ को, क्यों किल नहीं कर पा रही, क्योंकि ऑटोलाइटिक एंजाइम की शॉर्टेज हो गई है इसलिए। और लास्ट है इफ्लक्स पंप, इफ्लक्स पंप क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जा रहा होता है जो कि ड्रग्स को बाहर फेंकने का काम करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को पेरिप्लाज्म से बाहर फेंक देते हैं, सेल वॉल से बाहर, किसके द्वारा, इफ्लक्स पंप के द्वारा। अब दूसरी ड्रग है पेनिसिलिन, स्ट्रक्चर इसकी थायोजोलिडिन रिंग की ये बनी हुई होती है जो कि बीटा लैक्टम रिंग से जुड़ी हो और एक साइड चेन उसके साथ लगी होती है। सभी पेनिसिलिन्स जो है 6 अमाइनो पेनिसिलैनिक एसिड से बनी होती हैं। बहुत सारी पेनिसिलिन्स जो होती हैं उनकी साइड चेन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उसके बेसिस पर अपन उसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन पेनिसिलिन नेचुरल भी हो सकती है, सेमी सिंथेटिक भी हो सकती है। नेचुरल पेनिसिलिन में पेनिसिलिया के कल्चरल सॉल्यूशन से हम उसको बनाते हैं, पेनिसिलिया के कल्चरल सॉल्यूशन से। ड्रग का नाम है पेनिसिलिन जी, ये पीएच सेंसिटिव होती है, मतलब पीएच चेंज होते इसका असर चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको अपन ओरली नहीं दे सकते। ग्राम पॉजिटिव के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, पर पेनिसिलिनेज नाम के एंजाइम से ये ससेप्टेबल होती है, मतलब टूट जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है पेनिसिलिनेज से। दूसरी है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलियम को अगर अपन कल्चर कर रहे होते हैं, कल्चर के थ्रू हम उसको ग्रो करते हैं, फिर उसके न्यूक्लियस से अपन ड्रग को सिंथेसाइज करते हैं और उससे अपन आर ग्रुप जो है अपनी लैब में अलग जोड़ देते हैं, तो वो थोड़ी उसमें चेंज आ जाएगा। या फिर अपन पेनिसिलियम को ग्रो करें, उसमें से नेचुरल पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करके उसमें से आर ग्रुप को हटा दें और जो आर ग्रुप हम चाहते हैं वो आर ग्रुप उसके साथ में जोड़ दें, तो इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसका फिर ऑब्वियस है ब्रॉड स्पेक्ट्रम की होगी ऐसी ड्रग, क्योंकि उसमें हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और पॉजिटिव दोनों के लिए इफेक्टिव, क्योंकि ऊपर तो हमने कहा नेचुरल तो केवल ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है, पर ये पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव के लिए भी इफेक्टिव होती है और पेनिसिलिनेज एंजाइम के द्वारा इसमें रेजिस्टेंट भी डेवलप नहीं होता, ठीक है। अब सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एसिड स्टेबल पेनिसिलिन होती है, जैसे पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जैसे ऑक्सासिलिन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन जैसे एम्पिसिलिन और एंटी स्यूडोमोनाल, एंटी स्टेफाइलोकोकल पेनिसिलिन जैसे नेफसिलिन। तो ये सारा क्लासिफिकेशन है। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस कैसा है भाई पेनिसिलिन का, देखिए मैं यहाँ पर आपको पेनिसिलिन डिटेल में पढ़ा रही हूँ, तो आप डिटेल में पढ़िए, क्योंकि पेनिसिलिन के ऊपर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखनी है सारी की सारी। ये क्या करता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम के द्वारा ये एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट, इस एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट किया जा सकता है। टारगेट पीबीपी में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, टारगेट पीबीपी पर ड्रग के पेनिट्रेशन को, अंदर घुसने को आप इम्पेड कर सकते हो, और इफ्लक्स पंप अगर प्रेजेंट होता है तो रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। अब पेनिसिलिन जी का फार्माकोकाइनेटिक क्या है, ये रिलेटिवली अनस्टेबल होती है एसिड के अंदर, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी इसी वजह से लो होती है। इसका CSF में भी पुअर पेनिट्रेशन होता है अनलेस इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट, इन्फ्लामेशन होगा तो फिर भी ये पेनिट्रेट कर जाएगी, अदरवाइज इसका पेनिट्रेशन स्लो होता है या बहुत पुअर होता है।
एक्टिव इसका रीनल ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, जिससे कि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। भाई ये जल्दी सीक्रेट हो जाएगा रीनल से तो फिर हाफ लाइफ छोटी हो जाएगी। अब स्पेक्ट्रम देखिए किस किस पे एक्टिविटी दिखाता है, तो एग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव, स्पायरोकेट, कोकाई, बेसिलाई सब पे अपना असर दिखाता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर न्यूमोकोकाई, स्टेफेलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए ये अच्छी मानी जाती है, पर आजकल बहुत सारे स्टेफेलोकोकाई ने इस ड्रग के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, तो ये कई बार असर नहीं दिखाती उनमें। ग्राम नेगेटिव कोकाई के अंदर मेनेंजोकोकाई और गोनोकोकाई कौन से हैं ये ऑर्गेनिज्म, ये नाइजीरिया की स्पीसीज हैं भाई। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर बेसिलस परफ्रिंजेंस, मतलब जितनी बेसिलस है क्योंकि बेसिलाई पढ़ रहे हैं अपन, तो बेसिलस परफ्रिंजेंस और बेसिलस डिप्थीरी के अगेंस्ट में ये अपना अच्छा से दिखाती है। और स्पायरोकिट में कौन सा बैक्टीरिया, ट्रिपोनिमा पैलिडम जो सिफिलिस कॉज करता है उसके लिए आप दे सकते हो, लेप्टोस्पायरा में दे सकते हो, एक्टिनोमाइसिस के अंदर ये ड्रग दे सकते हैं। पेनिसिलिन का थेरेपेटिक यूज़ क्या है, ये फर्स्ट चॉइस होती है ड्रग में जब किसी को ऊपर जितने भी अपन ने पैथोजेंस के नाम लिए थे, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, स्पायरोकिट, उन सब के लिए ये ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है भाई। दूसरा, साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है एंटीटॉक्सिन के साथ भी, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है डिप्थीरिया, टिटनस जैसे को ट्रीट करने के लिए, कि आप इंजेक्शन भी दे दीजिए और ये दवाई भी दे दीजिए, मतलब वैक्सीन के साथ में आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, अगर हम चाहते हैं बैक्टीरियल इफेक्ट ये दिखाए एंटीरोकोकल एंडोकार्डाइटिस के अंदर, तो आप अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ में इसको दे सकते हैं। किसी को एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ इसको देनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी मानी जाती है ये। नेक्स्ट, एसिड स्टेबल पेनिसिलिन, जिसको पेनिसिलिन वी कहते हैं, ये पेनिसिलिन की ओरल फॉर्म है, इंडिकेटेड ओनली इन माइनर इन्फेक्शंस, केवल माइनर इन्फेक्शंस में दी जाती है क्योंकि इसकी पुअर बायो अवेलेबिलिटी होती है। ये वीकर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी दिखाता है, इसलिए इसकी कई बार डोज देनी पड़ती है, खाली एक दवाई से ये असर नहीं दिखाएगी। ये नैरो स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है। एडवर्स इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी, 5-20% केसेस में स्किन रैशेज हो जाते हैं, बुखार चढ़ता है, इयोसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है, एनजीओ एडिमा हो जाता है आंखों के आसपास, आपने देखा ना कई बार सूजन दिखाई दे रही है कईयों की आंखों के नीचे फूला हुआ सा पार्ट हो रहा होता है, दैट इज एनजीओ एडिमा। सीरम सिकनेस, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है भाई, टाइप थर्ड होती है सीरम सिकनेस, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप थर्ड, तो सीरम सिकनेस भी इससे हो जाती है। एनाफाइलैक्टिक शॉक जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो भी देखने को मिलता है। ये क्रॉस रिएक्टिविटी भी शो करती है सभी पेनिसिलिन्स के साथ में, और यहाँ तक कि बीटा लैक्टम के साथ में भी। मोस्ट सीरियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे एनाफाइलैक्टिक शॉक 0.5-1% केसेस जो 10,000 पेशेंट्स में से 0.5-1 में ये देखने को मिल रहा होता है, हालांकि बहुत रेयर है पर फिर भी देखने को मिलता है। और जितना जल्दी एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाएगा इंस्टेंटली आपको उसी समय एड्रेनालिन इंजेक्ट कर देना है ताकि ट्रेकिया एडिमा स्पाज़म को ठीक करने के लिए आपको एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा देना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाएगी। इसके अलावा ये GIT अपसेट कॉज कर देता है अगर आप इसको ओरल ले रहे हो तो, हालांकि रेयर है पर नेफ्रोटॉक्सिटी भी ये कॉज करता है, सुपर इन्फेक्शन का होने का खतरा रहता है, ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा को बदल देगा जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ई कोलाई वगैरह उसको ये ऑल्टर कर देता है। हायर इंसिडेंस होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स के। नेक्स्ट ड्रग है सिफेलोस्पोरिन, ये 7-अमाइनो सिफेलोस्पोरानिक एसिड का डेरिवेटिव है, पेनिसिलिन के जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर होती है, बीटा लैक्टम रिंग इसमें पाई जाती है, डाइल्यूट एसिड के अंदर ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं पर पेनिसिलिनेज के लिए ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिफेलोस्पोरिन पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस को बैक्टीरियल सेल वॉल में रोक देता है, यानी पेनिसिलिन के जैसा अक्सर दिखा रहा है इसलिए इसको बैक्टीरियोसाइडल माना जाता है। क्लासिफिकेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन अवेलेबल है, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दी थी, हालांकि यहाँ पर भी डिटेल में आ रही हैं ये, पर मैंने पढ़ा भी दी थी आपको ये पहले भी। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोथिन, सिफाजोलिन और सिफेलेक्जिनेटल ड्रग्स आती हैं, ये स्ट्रॉन्गर एंटी माइक्रोबियल एक्शन दिखाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए दूसरी जनरेशन के कंपैरिजन में, ग्राम पॉजिटिव के लिए अच्छी फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है।
पर ग्राम नेगेटिव में ये पुअर इन्फेक्शन दिखा वो एक्शन दिखाती है। हमने पहले पढ़ा था कि भाई जैसे ऐसे ये जनरेशन बढ़ती जाएगी ग्राम नेगेटिव को भी ये कवर करती जाएंगी ड्रग्स जो हैं। सिफेलोस्पोरिन हैव नेफ्रोटॉक्सिसिटी टू अ सर्टेन डिग्री, थोड़ी बहुत ये कुछ डिग्री तक ह्यूमन में नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी ये यानी रीनल के लिए भी ये नुकसानदायक होती है। स्यूडोमोनास पे कोई असर नहीं दिखाती। कंपैरेटिवली बीटा लैक्टमेज के लिए स्टेबल होती हैं। चीफली यूज़ करते हैं हम पेनिसिलिनेज प्रोडक्टिव ओरोकोकस यानी एस ऑरियस के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं, या सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस हमें करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। सिफेजोलिनो जोलिंडो जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, इसलिए हम मेनिनजाइटिस अगर किसी को हुआ है तो हम ये दवाई नहीं दे सकते। हालांकि मेनिनजाइटिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है, पर फिर भी क्योंकि ये सिफेलोस्पोरिन क्रॉस ही नहीं कर पाती तो फिर हम ये नहीं देते। दूसरी है सेकेंड जनरेशन की, जिसमें सिफेमेंडोल आती है, सिफोक्सिटिम, सिफेक्लोर, सिफोनोसिड, सिफ्यूरोक्साइम, सिफोटिटेन और सिफ्रोजल ड्रग्स हम देते हैं। इसमें ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट तो ये है ही है, साथ में ये हालांकि फर्स्ट जनरेशन कंपैरिजन थोड़ा कम ही ऐसा दिखाती है ग्राम पॉजिटिव पर ग्राम नेगेटिव पर भी ये दिखा देती है। ग्राम नेगेटिव के प्रति इनका रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ गया है। एनएरोब्स जैसे कि बेसिलस फ्रेजिलिस के लिए अच्छी मानी जाती है, पर स्यूडोमोनास एरुजिनोसा के लिए कोई इफेक्टिव ये बिल्कुल नहीं मानी जा रही होती है। बहुत सारे बीटा लैक्टमेज के लिए स्टेबल होती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी ये कम कॉज करती है फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। सिफिरोक्साइम जो है केवल सेकंड जनरेशन की ड्रग है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को अच्छे से क्रॉस कर देती है, इसलिए मेनिनजाइटिस के लिए दे सकते हो आप। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी की वजह से मेनिनजाइटिस हुआ हो या सेप्सिस ब्लड का इन्फेक्शन हुआ हो तब भी हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। थर्ड जनरेशन में सिफोटैक्सिम, सेफ्टिजोक्सिम, सेफ्ट्रायाक्सोन, सिफोपैराजोन, सेफ्टाजिडिम, सेफिक्सिम, सिफपोडोक्सिम ड्रग्स आती हैं। ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम ये शो करती है सभी सिफेलोस्पोरिन में, यानी ग्राम नेगेटिव के प्रति हाईएस्ट एक्टिविटीज़ दिखा रही है। हालांकि ग्राम पॉजिटिव में ये कम हो गई पर ग्राम नेगेटिवली खूब ज़्यादा है। बीटा लैक्टमेज के लिए भी ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस शो करती है, सीएसएफ को पेंट्रेट करती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करती ही नहीं है। सेफ्टिजोक्सिम जो है बेसिलस फ्रेजिलिस के लिए भी अच्छी एक्टिविटी दिखाती है, स्यूडोमोनास के लिए भी ये इफेक्टिव मानी जाती है, एंटीरियक पेट के जो बेसिलाई या टाइफस वगैरह उनके लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। यूरिथ्रल और बिलियरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन है उनके लिए भी ये चीफली यूज़ की जाती है, या जो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स होते हैं स्यूडोमोनास है उनके लिए भी अच्छी मानी जाती है। कुछ सीरियस निमोनिया, सेप्सिस और मेनिनजाइटिस में भी ये काफ़ी अच्छे से यूज़ की जाती है। ख़त्म। नेक्स्ट कैटेगरी है मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक्स, इसमें इराइथ्रोमाइसिन, क्लारिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ड्रग्स आती हैं। मैक्रोलिड एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं क्योंकि 50S सब यूनिट से बाइंड होते हैं। इराइथ्रोमाइसिन पेप्टाइड बॉन्ड को कभी भी इनहिबिट नहीं करती, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को, तो ये क्या कर देती है, ट्रांसलोकेशन के स्टेप को चेंज कर देती है। जो न्यूली सिंथेसाइज पेप्टाइडल टीआरएनए होता है उसके अंदर ये ट्रांसलोकेशन स्टेप को चेंज कर देती है, जिससे कि एक्सेप्टर साइट पर राइबोसोम में ये जो है वो मूव कर नहीं पा रहे होते हैं और जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो सही चल नहीं पाता। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है एक्यूमुलेट होता है लगभग 100 गुना ज़्यादा इराइथ्रोमाइसिन के कंपैरिजन में, मोर इराइथ्रोमाइसिन मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है एक्यूमुलेट अबाउट 2 times मोर इराइथ्रोमाइसिन देन डू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब इराइथ्रोमाइसिन को ज़्यादा वो ग्राम पॉजिटिव जो है एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो सेल्स जो होती है वो ज़्यादा परमिएबल मानी जा रही होती है अनआयनाइज फॉर्म के लिए ड्रग की, जिससे कि इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है अगर एल्कलाइन पीएच पे हम ऐसे ड्रग्स को देंगे तो। रेजिस्टेंस देखिए मैक्रोलिड का किस वजह से होता है, एक तो इफ्लक्स पंप की वजह से, दूसरा राइबोसोमल प्रोटेक्शन हो जाता है इंड्यूसिबल या कंस्टिट्यूटिव टाइप का, मिथाइलेज एंजाइम का जिससे कि राइबोसोम का टारगेट बदल जाएगा, ड्रग की बाइंडिंग पर प्रभाव पड़ेगा, ड्रग बाइंड नहीं होएगी तो फिर
तो फिर वो बेचारा अपना असर कैसे दिखाएगी, तो ये रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इसके अलावा मैक्रोलिड हाइड्रोलाइज कर देता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है एस्टरेज के द्वारा, जो कि एंटीरियोबैक्टीरियसी फैमिली प्रोड्यूस करती है, तो फिर एंटीरियोबैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क नहीं दिखा पाएगा। इसके अलावा क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो जाए बैक्टीरिया में, तो 50S राइबोसोमल प्रोटीन बदल जाएगा, बदलते ही ये दवाई असर दिखाना बंद कर देगी। अब इस मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये ओरली एब्जॉर्ब होती है। एराइथ्रोमाइसिन एंटीरिक कोटेड टैबलेट में दी जाती है, दूसरे टैबलेट अदर्स ओरल एब्जॉर्प्शन इज़ गुड, ऐसे देंगे तो ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छा होएगा, लीवर में ये मेटाबोलाइज हो जाएगी, बाइल में एक्सक्रीट आउट होएगी और थोड़ी बहुत ये यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होएगी। ये पूरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सिर्फ ब्रेन और CSF में नहीं जाती। थेरापेटिकली माइकोप्लाज्मा निमोनी के लिए दे सकते हो, लिग्योनरी डिजीज़ के अंदर क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ हो, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन, डिप्थीरिया हुआ हो किसी को, स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ हो, कैम्पाइलोबैक्टर का इन्फेक्शन, टिटनस, सिफिलिस, माइकोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन हुए हों, तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। रूमेटिक फीवर को बार बार होने से रोकने के लिए प्रोफाइलैक्टिकली हम ये ड्रग दे सकते हैं। ड्रग जो है उन पेशेंट्स में जो मैक्रोलिड एंटीबायोटिक के प्रति सेंसिटिव होते हैं उनमें नहीं देनी चाहिए, और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ किसी को हुई हो तो ये ड्रग नहीं देनी चाहिए। अब ये थेरापेटिक यूज़ देखिए टेट्रासाइक्लिन का, मुझे लगता है ये थोड़ा सा कुछ आगे पीछे हो गया है। टेट्रासाइक्लिन को अपन ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था ना, एक बार देख लीजिए, तो वहाँ पर ये थेरापेटिक यूज़ लिखना है भाई उस फर्स्ट स्लाइड के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, ये शायद कुछ आगे पीछे हो गया। खैर ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इतने मैच्योर इनफ हैं कि हम चीज़ों को खुद से पढ़ सकें, खुद से समझ सकें, तो हम ये पढ़ सकते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या पॉइंट है। तो हम टेट्रासाइक्लिन, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बताया था इसके एग्जांपल्स दिए थे, और यहाँ पर इसका थेरापेटिक यूज़ आ रहा है। तो नोट्स बनाते समय आप ये थोड़ी सावधानी रखिएगा, टेट्रासाइक्लिन का एक साथ में नोट्स बनाइएगा आप इस तरह से, क्योंकि आपकी टेक्निकली गलती नहीं होनी चाहिए, आप तो हाथों से लिख रहे हैं, यहाँ तो टेक्निकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन का थेरापेटिक यूज़ क्या है, रिक्शल इन्फेक्शन में देते हैं, STD में दे सकते हैं, और भी कुछ कंडीशंस होती हैं राइबोसोम से रिलेटेड उसमें दी जा सकती हैं, जैसे रिक्शल इन्फेक्शन में रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हुआ होता है, थॉरेक्स सीजन में रेड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं रोज जैसे, तो आप दे सकते हो। माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन में दे सकते हो, निमोनिया हो जाए माइकोप्लाज्मा की वजह से, क्लेमाइडिया की वजह से निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस हो जाता है, तो टेट्रासाइक्लिन की थेरेपी दी जा सकती है, या डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं। विब्रियो कोलेरी में डॉक्सीसाइक्लिन बहुत अच्छा माना जाता है, पर स्टेफाइलो के लिए अच्छा नहीं है, शाइजिलोसिस के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। STD अगर अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ है तो भी अच्छी मानी जाती है। क्लोटेट्रासाइक्लिन जो है 30% ओरल डोज में एब्जॉर्ब होती है, पर जो ऑक्सियोटेट्रासाइक्लिन है वो 60-80% तक एब्जॉर्ब होती है, इसलिए डॉक्सियो और माइनोसाइक्लिन जो है वो 95-100% इसके अलावा एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बस ठीक है, आगे वाला तो राइबोसोम वाला वही जिससे पिटे पॉइंट्स है। नेक्स्ट ड्रग आ जाइए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो है वो रैपिडली बैक्टीरियसाइडल एक्शन दिखाती है, बैक्टीरिया को किल करती है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है ये बैक्टीरियल किलिंग, कि भाई कितनी कंसंट्रेशन में दी है उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को किल कर रही होती है। हायर कंसंट्रेशन अगर होती है तो तेजी के साथ में बैक्टीरिया को किल करेगी। अमाइनोग्लाइकोसाइड डिफ्यूज़ होती है एक्वस चैनल के द्वारा, पोरीन प्रोटीन्स बनाते हुए आउटर मेम्ब्रेन में छेद कर देती हैं और घुस जाती हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर और पेरिप्लाज्मिक स्पेस में चली जाएगी, फिर ट्रांसपोर्ट हो जाती है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस और सेल मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म में चली जाएगी ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस के द्वारा। ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है फिर वो सप्लाई करता है एनर्जी को, और फिर ये प्रोटोन पंप के साथ में कपल्ड होकर के ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। लो एक्स्ट्रा सेलुलर pH और एनएरोबिक कंडीशन जो है वो इनहिबिट कर देती है ट्रांसपोर्ट को बाय रिड्यूसिंग द ग्रेडियंट। अगर ऐसा हो कि pH कम है, एनारोबिक कंडीशन है, तब फिर ये ट्रांसपोर्ट उतना अच्छे से हो नहीं पाती। तो सेल वॉल एक्टिव ड्रग्स के द्वारा हम ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन साथ में दे दीजिए, वैंकोमाइसिन दे दीजिए, तो दिस एनहांसमेंट मे बी द बेस ऑफ द सिनर्जिज्म ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स विद अमाइनोग्लाइकोसाइड। इसीलिए अपन, क्योंकि ये फिर क्या करेंगी, ये आराम से इसको ट्रांसपोर्ट कर देगी, तो यानी ये मेडिसिन अपना अच्छा असर दिखाएगी। यही कारण है कि हम पेनिसिलिन और वैंकोमाइसिन को अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ में देते हैं।
अब थेरापेटिक यूज़ देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का, टोल्यूरेमिया, ब्रूस ट्यूलरीमिया, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसको अपन जेंटामाइसिन भी कह रहे हैं, ये वो ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि टोल्यूरीमिया में हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट केसेस के अंदर अपन 1 ग्राम देते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन पर डे, अगर देनी है तो 7 से 10 दिन तक अपन 1 ग्राम के फॉर्म में दे सकते हैं। ब्रुसेलोसिस किसी को हुआ हो, ये एक जोनोटिक इन्फेक्शन है, ब्रुसेला से हो जाता है, एनिमल से फैलता है ये, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन 1 ग्राम पर डे देनी होती है। बच्चों में तो 15 mg ही काफ़ी है। इंट्रामस्कुलरली ये ओरल टेट्रासाइक्लिन के साथ में दी जा सकती है। इसके अलावा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में, यूटीआई के अंदर, ट्यूबरक्यूलोसिस में आप ये ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट जेंटामाइसिन का थेरापेटिक यूज़ देख लीजिए, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के लिए देते हैं, वूंड हुआ हो, बर्न के केस में दे सकते हैं, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस किसी को, यूटीआई हुआ हो, ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ हो या टोल्यूरेमिया हुआ हो तो अपन जेंटामाइसिन दे सकते हैं। लास्ट है लियोमाइसिन, ऑइंटमेंट के रूप में ये यूज़ की जाती है, नियोमाइसिन, प्रोक्सी पॉलीमिक्सिन, बैक्टेरिसिन कॉम्बिनेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, इन्फेक्टेड स्किन लेजन के ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। बस इसके साथ आपका ये एंटी बैक्टीरियल टॉपिक ख़त्म। एंटी बैक्टीरियल मैंने करवा दिया इसलिए मेरे को नहीं लगता कि मुझे पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन आपको अलग से करवाने की ज़रूरत है। आप बस ये ध्यान रख लीजिएगा इन पर अलग से क्वेश्चन आता है तो आप खुद से उन ड्रग्स को पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कुछ कहना हो, पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी।